नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। जिला परिषद पूर्व माध्यमिक मराठी स्कूल शिवनी रासू में प्रधान अध्यापक और भाषा शिक्षक की कमी के कारण छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवनी रसूलापुर स्थित विद्यालय में पिछले 6 माह से मुख्य अध्यापक का पद रिक्त है। पहली से 7वीं कक्षा तक का यह स्कूल तालुका में एक मॉडल स्कूल माना जाता है। छात्र संख्या में भी अव्वल इस स्कूल में 7 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन आज सिर्फ 4 शिक्षक ही कार्यरत है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से 1 माह बाद भी यहाँ अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है। छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF ने AISF की ओर से शिक्षकों के रिक्त पदों भरने के संबंध में समूह विकास अधिकारी नंदगांव खंडेश्वर को एक बयान दिया था, जिसमें 2 शिक्षकों और एक हेडमास्टर की मांग की गई थी। AISF की ओर से एक बयान के माध्यम से अगले 15 दिनों में शिक्षकों और प्राचार्यों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई। इस मांग को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 15 दिनों के अंदर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो आज छात्र स्कूल के मैदान में बैठ गए और शांतिपूर्ण तरीके से स्कूल की कक्षाओं और प्रिंसिपल के कार्यालय को जाम कर दिया। बहरों को सुनाने के लिए धुमाके की जरूरत होती है, म्हणून आज आम्ही इथे झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी इथे आंदोलन करीत आहोत। शाळा लागून जवळजवळ 1 महिना झाला असून शाळेला एक माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक आलेले नाही, यामुळे आम्हा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे। शाळेला मुख्याध्यापकच नसेल तर शाळेवर नियंत्रण कोण ठेवणार, म्हणून आज आम्ही या मागणीवरून आमच्या व्यथा निवेदनाद्वारे पाठविल्या। 15 दिवसांचा कालावधी होता, परंतु आमच्या शाळेमध्ये एक शिक्षक व मुख्याध्यापक अजूनही आलेले नाही। आता जोपर्यंत BDO साहेब आम्हाला भेटणार नाही, तोपर्यंत आम्ही अशीच लढाई लढत राहणार। लढेंगे लढेंगे लढेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। प्रदेश में सड़कों के गड्ढे जानलेवा बनते जा रहे हैं। गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। विकास की ऊंची उड़ान भर रहा चंद्रपुर भी इस गड्ढे से अछूता नहीं है, लेकिन इस जानलेवा गड्ढे की ओर जनप्रतिनिधियों व प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन गड्ढों का नाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर रखा गया। शहर में अविकसित सड़कों के गड्ढों का नाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर रखा गया और गड्ढों में पेड़ लगाए गए। आम आदमी पार्टी का यह अनोखा आंदोलन देखने लायक रहा। चंद्रपुर शहर की मुख्य सड़क पर गड्ढे हैं। इन सड़कों पर यात्रा करना खतरनाक हो गया है। हालांकि राजनीतिक नेताओं द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे की घोर अपेक्षा की तस्वीरें सामने आई है। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग आंदोलन करके गड्ढों के इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। शहर के विभिन्न हिस्सों में गड्ढों में पेड़ लगाए गए। बात यह है कि इन गड्ढों का नाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर रखा गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम खाड़िया के समक्ष व्यक्त की गई। इस अवसर पर आप नेता मयूर रायकवार, महानगर अध्यक्ष योगेश गोखरे, शेतकारी आघाड़ी के जिला अध्यक्ष दीपक बरशेट्टीवार, सहकार आघाड़ी के जिला अध्यक्ष मधुकर साखरकर उपस्थित थे। गड्ढाला नामकरण देने का काम सध्या चालू है आणि त्याचा हा आज एक दुसरा भाग आहे। आत्ताच आम्ही तुकुममध्ये नामकरण करून आलो काही गड्ड्यांचे, आणि त्यानंतर वरुळा नाक्यावरील स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा पूल आहे, त्यांच्या नावाने हा पूल बनलेला आहे आणि त्या पुलावर एवढे गड्डे आहे, म्हणजे जेव्हापासून हा पूल या बनला तेव्हापासून या पुलावर गड्डेच गड्डे पडत आले। आता इंजिनियर लोकांनी किती पैसे खाऊन याच्या डायग्राम पास केली, त्याचं निरीक्षण कसं केलं हे त्यांनाच माहीत आहे, कारण की त्यांच्या तोंडात पैसे खूपसले त्या ठेकेदाराने, आणि त्यानंतरही हे गड्ढे नेहमी नेहमी बुजवत राहतात, ते असे उखळत जाते, माती भरत जाते आणि गड्ढे उखळत जातात। 2 महिने 2 महिने लोकांचा रोष कशा पद्धतीचा, या रोडला जो पण जाणार त्याला, म्हणजे त्याचं तो घरी पोहोचणार की नाही पोहोचणार हे अशी पद्धत आहे। म्हणजे रात्री पाऊस, ज्यावेळेस पाऊस येतो आणि पाणी येतं साचून जाते ना, तर लोकांना विचार करावा की पुलावरून जाते की खालून जाते, एवढी बिकट या परिस्थिती, या पुलाची परिस्थिती झाली आहे। NBC न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन खबरों में बस इतना ही। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज।